तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूँ सौरभ और आप लोग देख रहे हैं नोमेटिक गैंग्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आपने थंबनेल पे देखा होगा, सलेमपुर शहर में घूमने लायक जो जगह है तो उसके बारे में आज हम लोग बताने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सलेमपुर के वो कौन से स्थान है जहाँ हम घूम सकते हैं। तो बात करें नंबर वन पे, तो आपको लिटिल फ्लावर स्कूल दिखाई दे रहा होगा और सेंट पॉल स्कूल, जो कि दोनों सलेमपुर में मौजूद है, आप आसानी से यहाँ घूम सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो ये जो आपको सामने सिनेमा हॉल दिखाई दे रहा होगा, इस सिनेमा हॉल के अंदर का व्यू है और जस्ट लिटिल फ्लावर स्कूल के पास में ही है। आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, घूम सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ या अकेले में। तो सेंट पॉल स्कूल, लिटिल फ्लावर और सिनेमा हॉल, ये तीन जगह हो गए जो कि आस पास में ही हैं और आप आसानी से जा सकते हैं। तो बात करें तीसरे नंबर के डेस्टिनेशन की, तो वो होता है दोस्तों हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी का समाधि स्थल, जो कि मौजूद है भाटपार से थोड़ी ही दूरी पर। आप बरहज में जाएंगे तो वहाँ के इंटर कॉलेज में इनका समाधि बना हुआ है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और राम प्रसाद बिस्मिल जी को कौन नहीं जानता, और आप लोग इनका फेवरेट नारा कमेंट में बताइए। चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। हर फिरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पाजुए कातिल में है। तो बात करें अगले नंबर की, वो देवराहा बाबा का स्थान आता है। और आप यूपी से हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप देवराहा बाबा को न जानते हो। तो इसी बात पे एक बार कमेंट में जय देवराहा बाबा लिख दीजिए। और आपको सामने राजीव गांधी जी, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो देवराहा बाबा के पास भी आप जा सकते हैं, जो कि देवरिया में है। बात करें अगले नंबर का, तो आपको सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा जो कि एक जैन मंदिर है। और ये है दोस्तों कुकुंदू में, जो कि सलेमपुर से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है। और पुष्यदंत नाथ जी का ये जन्म स्थल है, जो कि जैन गुरुओं में कुछ विशेष इनका योगदान था। तो आप लोग यहाँ पे भी जरूर विजिट कीजिए और जैन धर्म के बारे में जानिए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ पर जा कर के जैन धर्म से रिलेटेड सारी बातों का स्टडी कीजिए, जानिए उन सब बातों के बारे में। तो बात करते हैं अगले नंबर की, तो आता है दोस्तों सलेमपुर का रेलवे स्टेशन, तथा साथ ही में इसका इसके जो नेक्स्ट नंबर पे स्टेशन है वो है पीयूकोल। और पीयूकोल स्टेशन की खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पे सेकेंड फ्लोर में टिकट मिलता है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में अकेले पीयूकोल ही ऐसा स्टेशन है जहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे टिकट मिलता है। तो बात करें अगले नंबर की, तो ये है हमारे सलेमपुर में ही सोनाग बाबा का मंदिर। सोनाग बाबा के मंदिर में भी आप लोग जरूर जाइए। और भगवान परशुराम का ये मंदिर है, तो एक बार कमेंट में जय परशुराम भी लिख दीजिए। और बहुत ही प्यारा मंदिर है, और आपने किसी ने भगवान परशुराम को नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दर्शन कर लीजिए। यही थे भगवान परशुराम, और आप लोग एक बार कमेंट में जय परशुराम जरूर लिख दीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको घरों पर तीन दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, इसका कारण क्या है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो को देखिए। और ये है दोस्तों मझौली राज, मझौली राज का किला है। तो आप मझौली राज में भी आ सकते हैं, जस्ट सलेमपुर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है मझौली राज। और यहाँ का बहुत ही भव्य किला है, जो कि बहुत सालों से है यहाँ पे। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो सामने दिखाई दे रहा होगा, ये किला का मेन गेट है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर आइए। बात करें अगले नंबर का, तो ये भंगड़ा भवानी का मंदिर है, जो कि किला से जस्ट थोड़ी दूर पहले पड़ता है। तो आप लोग नीचे जाएंगे तो हमने इसका भी वीडियो बना रखा है, मझौली का भी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके ये सारा वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों अगले डेस्टिनेशन की, तो आइए बात करते हैं। तो ये है दोस्तों डिग्रेश्वरनाथ मंदिर। और आप इस मंदिर पर जाएंगे तो अपना यहाँ का एक अलग कहानी है, इस मंदिर का भी वीडियो हमने बना रखा है, तो आप लोग उसे भी जाके जरूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे वीडियो का जो मैंने आपको बताया। और ये भी मझौली में ही है दोस्तों, सलेमपुर से थोड़ी ही दूरी पर। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और काफ़ी सारे मंदिरें देखने को मिलेंगे। आइए मैं आपको अपने चैनल पर सीधे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि कौन कौन से वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे तो वीडियो जाते जाएंगे, भाट पर रानी, सलेमपुर शहर, मझौली, भागलपुर, ऐसे बहुत तमाम सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, डिग्रेश्वरनाथ से लेके माँ थामे भवानी। आप लोग हर एक वीडियो देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो एक प्लेलिस्ट है भाट पर रानी के नाम से और एक विलेज ब्लॉक के नाम से।
तो आप लोग वहाँ पे भी विजिट करके सारा देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने दिखाई दे रहा होगा भाटपारानी ब्लॉक, तो इसमें भाटपारानी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सलीमपुर आसपास के सभी जगहों के वीडियो इसमें अपलोड हैं, और भाटपारानी से ढाला से लेकर के भाटपारानी में घूमने के लिए जगह सारा वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग ये भी ज़रूर देख सकते हैं। बात करें अगले नंबर की, तो जो हमारा अगला प्लेलिस्ट है दोस्तों वो है कोरोना स्पेशल, तो आप इसमें कोरोना से रिलेटेड सारी जानकारी पा सकते हैं। और बात करें अगले प्लेलिस्ट की, तो ये विलेज ब्लॉग से प्लेलिस्ट होगा, और हमारे पूरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप वीडियो देखते देखते थक जाएंगे पर वीडियो ख़त्म नहीं होगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और सारे वीडियो को देखिए। तो बात करें अगले नंबर की, तो ये आता है नदावर घाट दोस्तों। नदावर घाट का अपना एक अलग ही इतिहास है, और यहाँ पर हर साल छठ के दिन बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, और ये मझौली राज का मेन घाट था, इसके वजह से और भी फेमस हो जाता है। अगले नंबर पे बात करें तो भागलपुर शहर आता है दोस्तों, और भागलपुर शहर का अपना खास अहमियत है, इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके जरूर उसको देखिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और भागलपुर शहर का जो है कुछ खास बातें हैं इसमें दोस्तों, यहाँ पे भीम का छड़ी भी है जिसका वीडियो हमने बनाया है उसी पार्ट में भागलपुर वाले, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप लोग को पसंद आया है, आप लोग सलीमपुर से वीडियो देख रहे हैं या पूरे ज़िला देवरिया में कहीं से देख रहे हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए खास जानकारी। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और सारी वीडियोज़ को देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। जय श्री राम, वंदे मातरम।